हुआ हूँ, लेकिन ना जाने कितने गुरुओं, मतलब मेरा बचपन से ही इच्छा है कि माँ जक्षिणी की साधना करूं। मैं अब कुछ लंबे समय से 3-4 महीने से मैं जा रहा था अब शमशान भूमि फिर से अच्छा किसी गुरु के माध्यम के द्वारा। तो गुरुदेव अभी मेरे को कोई रिजल्ट नहीं मिला। 3-4 महीने मेरे को जाते हुए, सुबह मैं जाता था लगभग 1:45, मैं और मेरा भाई छोटा, हम दो ही भाई हैं, है ना। अच्छा तो गुरुदेव माँ जक्षिणी की प्राप्ति हेतु मैं इनको माता का रूप में पाना चाहता हूँ, जिससे समाज के हित का कल्याण हो। आपको पता ही है गुरुदेव, जब संत समाज में कोई बच्चा बढ़ता है तो जिस दुनिया के हालात, आपको पता ही, अगर हमारे अंदर कोई ऐसी दिव्य शक्ति नहीं होगी तो, है ना, आप समझ सकते हो हम दो जी टाइम की रोटी भी नहीं खा सकते। जी तो अपना जीवन सतगुरुदेव मैंने अब समर्पित कर दिया है माता रानी को। तो मैं लंबे समय से आपसे ही बात करने चाह रहा था, हो नहीं पा रही थी, तो आज दोबारा से आपकी वीडियो देखी तो फिर मेरे को अमीर का इतना, मतलब घर का कोई कार्य भी सिद्ध नहीं हो रहा, और मतलब समाज में इज्जत मान प्रतिष्ठा है, लोग संगत आती भी है बीच बीच में, लेकिन वो बात नहीं बनती गुरुदेव, क्योंकि दूसरों का आश्रय लेना पड़ता है, और कब तक चलेगा ऐसे, है ना। जी तो कृपा करके सदगुरुदेव मुझे मार्गदर्शन करिए, अगर आप मेरे को बुलाएंगे कहीं तो मैं आ भी सकता हूँ। तो मैं शमशान भूमि भी जाता था, और मेरे पास जो मैं मंत्र, अगर आप बोलो तो मैं बताऊँ किस मंत्र की मैं साधना कर रहा था। जी बताइए। मंत्र है ओम ह्रोम ओम योम सा भर भवा स्वाम। इस मंत्र के द्वारा क्या जक्षिणी सिद्ध होगी गुरुदेव? कौन सी लक्षणी सिद्ध कर रहे हो आप? गुरुदेव कुछ नहीं पता, जिस व्यक्ति जिस गुरु के पीछे में लगा हुआ था आज से लगभग 10 साल हो गए हैं, वैसे उन्होंने मेरे उनका एक आगे चेला था जिसका नाम है विजय, अच्छा हमारे गांव से लगभग 3-4 किलोमीटर। पहले मेरे अच्छे रिलेशन थे, लेकिन जब उसको पता चला कि ये मुझे टक्कर देने लगा है, जैसे मेरे पास मिनिस्टर आने लगे, जब एक दो बार विजय चोपड़ा पंजाब के सी चेयरमैन के मालिक भी आए, फिर उस केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश जी भी मेरे पास आते जाते रहते हैं ना, तो मतलब उसको तकलीफ होने लगी। मतलब उसके पास मैंने सुना है कि एक दो बार मेरे को उसने बोला था कि मेरे पास जक्ष है, जैसे कोई भी बात वो गद्दी पे जब बैठता है तो भूतकाल भविष्यकाल और वर्तमान की कोई भी बात देवी उसको कान में बताती है, कोई मंत्र का उच्चारण करता है और वो चोला वगैरह नहीं कर्ण डालता, पैंट पिशाचनी कमीज में ही होती है रहता वो। है, कर्ण पिशाचनी। जी तो लेकिन कर्ण पिशाचनी था गुरुदेव, फिर वो तामसिक प्रवृत्ति आ गई है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जिस रूप में आप चाहोगे वो वैसे ही काम करेगी। जी, जी तो जैसे ये जक्षणियां भी गुरुदेव भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल में बताती है। ये जो मैं बता रहा हूं कर्ण पिशाचनी, ये इसी काम के लिए होती है, वो तो विषय जानने के लिए। ठीक जी है, ये कर्ण पिशाचनी गुरुदेव इसकी साधना कहाँ पे होती है आपको इसी ही करनी है, वो तो गुरुदेव? अभी। मैं चाहता हूँ, कर्ण पिशाचनी के लिए लोगों ने गाइड किया था है ना, तो उनका यही कहना था कि जो लैट्रिन पे होगी बाथरूम पे होगी, जो सेक्स करती है ऐसा वैसा, जिसके कारण फिर मैं, है ना, मतलब कि गंदी है बचपन से, क्योंकि मैं अगर वैसे नहीं, इससे ऐसा मेरी कुछ रंग भी नहीं है, देवी का रूप है जी। वो। तो उनके माध्यम के द्वारा जब मेरे को पता चला तो फिर मैंने कभी आज दिन तक इस विषय में स्टेप नहीं उठाया। देखिए, साधना करनी होती है, माता के रूप में इनको जो है आह्वान कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब सुनी सुनाई बातें। जी गुरुदेव, तो जी ये गुरुदेव जैसे ये कर्ण पिशाचनियां जो, तो अगर इनको माता के रूप में हम प्राप्त करना चाहते हैं तो ये अपने माता रानी के दरबार में ही इसका साधना कर सकते हैं या शमशान भूमि ही जाना इसकी पड़ेगा? इसकी पूरी साधना होती है, शमशान में कुछ सिद्ध नहीं होता, शमशान में शमशान में ठीक सारे उल्टे काम होते हैं। है महाराज जी। इसके लिए मैं आपको पूरी साधना की विधि बताऊंगा, वैसे कीजिए ये सिद्ध हो जाएगी, और उम्र अगर मेरे आपके अगर साथ रहेगी। गुरुदेव जैसे मेरा मन माँ जक्षियों की ओर ही लंबे समय से प्रेरित है तो क्या मुझे कौन सी जक्षिणी करनी चाहिए? देखिए वो आप अपने हिसाब से बताओ, मैं आपको इसके बारे में नहीं बता पाऊंगा। महाराज जी, मैं गुरुदेव आपको बिल्कुल क्लियर बता देना चाहता हूँ। पहली बात, मेरे पास ना तो धन है, धन था लेकिन गुरुओं के पीछे बहुत खूब उड़ाया, अब जो बचा है कुछ भी नहीं बचा है। भाई का कार्य महाराज जी लंबे समय से नौकरी का डाला हुआ है बीबीएमबी में, है ना, तो महाराज जी मिनिस्ट्री ने लगातार उनके टच में हूँ मैं, लेकिन फिर भी कार्य सिद्ध नहीं हो रहा, कोई ना कोई विघ्न हो जाता है। घर में दृढ़ता, गरीब परिवार से हूँ, लेकिन अब जब मैं महामारी की सेवा कर रहा था कुछ समय से हालात ठीक है महाराज, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मेरे रिश्तेदार मुझे छोड़ के चले गए, मुझे पखंडी बताते हैं, मुझे झूठा बताते हैं,
जो मेरे माता पिता भी कभी कभी बोलते हैं कि भाई तूने गृहस्थी भी नहीं लेनी है, तू सारी रात इधर लगा रहता है, दरबार में लगा रहता है, तो कुछ कार्य, क्योंकि माता पिता भी चाहेंगे कि हम उनके उनके हाथ में कुछ दें, है ना महाराज जी। बिल्कुल तो मैं महाराज जी अपनी जिंदगी से इतना परेशान हो चुका हूँ, क्योंकि अब लाइन तो किसी कीमत में छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरे देखिए, ऐसा कंप्रोमाइज में होता आ है, चुका हूँ। जब तक कोई आविष्कार ना कर लो ना, तब तक जी, आपको लोग पागल ही समझेंगे। हाँ पागल ही समझेंगे ना गुरुदेव, वही बात है। तो तो यक्षिणी की फिर साधना करो, उनको प्रसन्न करो, और जिस दिन वो तुम्हारे साथ आ गई, उस दिन सब जी, तुम्हारी जय जयकार करेंगे। तो ये जो माँ जक्षणी है महाराज जी, से कौन सी जक्षणी मेरे को करनी चाहिए अपने हालातों को देखते हुए? आप मुझे बताओ, मैं आपको सारी अक्षिणियों के बारे में बता देता हूँ, किसका क्या काम है। अब आप जो ठीक कहते है हो महाराज भूत जी, भविष्य, इसके लिए कर्ण पिशाचिनी होगी जो आपको कान में सब कुछ बता देगी, सब क्या जक्षणी महाराज कोई बात नहीं बताती कान में कुछ बता देती है जक्षणी भी? जी। और एक होती है जो धन के लिए होती है, जो आपको रोज धन दे जाएगी, जी आपको जो भी चाहिए, जैसा आपका मनोरथ है वो स्पष्ट कीजिए, फिर मैं जी आपके बारे में बताता हूँ। आप महाराज देखिए, मैंने जब आपको गुरु बोल दिया, अब आपने देखना है कि मुझे क्या चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ, मैं अकेला धनी नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि हम ऐसा कार्य करें जिससे समाज का भी महाराज जी कल्याण हो, है ना, क्योंकि जी नहीं, अपने लिए धन महाराज इकट्ठा करके वो तो देखो, यही छोड़, एक होता है लेकिन समाज धन के बिना के कुछ लिए है भी काम नहीं महाराज, जब करना, हमारे एक पास होता धन नहीं है, है जी जी जब तक हमारे पास महाराज धन नहीं होगा हमें कोई देखेगा नहीं। अभी हमारे हालात ऐसे हैं, मेरे पास रिश्तेदार मेरे सभी आले दुआले वाले बस यही सोचते हैं कि वेला है, भूखा मरेगा सारा एक दिन, क्योंकि अच्छा, महाराज जी अब हालात ऐसे हैं। ऐसा नहीं होगा। साधनाएं कीजिए तो जी ठीक दैवीय शक्ति आपको खिलाएंगी। है महाराज जी, लेकिन व्हाट्सएप पे मैसेज जक्षिणी करो, की, फिर मैं माँ सारा कुछ जक्षिणी की बता साधना दूंगा। महाराज जी कितने दिन की है? 41 दिन की है 41 दिन की। तो जी। जैसे महाराज जी मैं जहाँ जाता था पहले, जहाँ जो मैं पहले जाता था ना, 3-4 महीने गया हूँ वहाँ, हमारा जी जैसे 2 शमशान है ना, तो उसके बिचकार, शमशानों के बिचकार जैसे हमारे गांव वालों ने मंदिर डाला हुआ है भगवान शिव का, अच्छा तो भगवान शिव के मंदिर के अंदर दक्षिण दिशा की ओर बैठ के मैं पीपल के आसन पे बैठ के तो उस पे वो किया करता था, मंत्र है ओम हरोम ओम योम सा भर भवा स्वाओम। इस मंत्र का गुरुदेव ने, कोई गुरु थे मेरे बड़े निजी, तो उन्होंने दिया, उन्होंने बोला कि इससे इसको कर तो जक्षणियां से दूंगी, लेकिन महाराज जी इस पे ना मेरे को कोई अनुभव हुआ, तो मैं 3:30-4 वहां पहुंच जाता था, 5 बजे 6 बजे बात नहीं, वापसी मैं करता था। आपको साधना बताता हूँ, जी असली गुरुदेव पद्धति, जिसमें कि आपको आवाजें आनी शुरू हो जाएंगी अक्षिणी की एक दो दिन कौन में। सी पद्मावती आप बताइए कौन सी सिद्ध करना चाहते हो। महाराज जी? देखिए जब इसके बारे में मेरे को कुछ पता ही नहीं, क्योंकि आप मार्गदर्शन नहीं, करोगे, तो मेरे को मैं सबसे आपसे पहले ये कह रहा हूँ, भूतकाल आपको चाहिए भविष्यकाल, क्या आप वो मेरे बताइए। को महाराज ये चाहिए कि जो भी मेरे पास संगत आए या जिसके बारे में मैं भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान की कोई भी बात चाहूं, तो या किसी का उपाय चाहूं, किसी का मुख, सबसे बड़ी बात की वो संसार के और तीनों लोकों का किसी का भी कल्याण करने में सक्षम हो, मुझे भूखा रखे चलेगा, दूसरों का कल्याण होना चाहिए, मेरे दरबार में जो आए महाराज जी वो निराश होके ना जाए, दूसरी बार उसको तभी आना पड़े, मेरा वो मिठाई लेके आए थी महाराज जी, आपने दिन तारीख डेट जो बता दी थी, इस दिन ये कार्य मेरा हो गया, अच्छा, मतलब धन कार्य कम सिद्धि के मिलेगा लिए महाराज चाहिए, जी चलेगा। हाँ जी कार्य सिद्धि के लिए चाहिए। हाँ, कार्य सिद्धि के लिए महाराज जी, क्योंकि लक्ष्मी कम मिलेगी तो चलेगा महाराज, लेकिन जो अपना कीमती समय हमारे पास लेके आते हैं महाराज, उनका कल्याण होना चाहिए, जिस कार्य हेतु मैंने जो जीवन समर्पित किया है ना महाराज जी, धन तो यही रह जाएगा, मतलब जी लोग याद करें कि कोई संत था, और लोग याद करें कि हाँ भाई ये संत थे, और इनके आपका नाम मेरे साथ चले कि हाँ भाई उनके कोई गुरु थे, उन्होंने बहुत धोखा खाया लोगों से, लेकिन कोई को ऐसे गुरु के क्षेत्र से मिले जिन्होंने जो कि इस बच्चे को बनाया। ठीक। आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करो, फिर मैं सारा कुछ बताता हूँ। ठीक मैं गुरुदेव अभी करता हूँ आपको, है जी। चलो मैं गुरुदेव।